तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी संगीत प्रेमियों का पीआरके म्यूजिक क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम हारमोनियम के जो काले बटन है इनको आधार बनाते हुए एक नहीं पांच राग हारमोनियम पर बजाना सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आए और आपको कुछ सीखने को मिल सके। तो इन काले बटनों पर जो सबसे पहला राग बनेगा वो बनेगा राग दुर्गा। तो राग दुर्गा के स्वर सी सारा पहली काली से देखें तो सा रे मा पा धा सा, सभी काले बटन है। इनका प्रैक्टिस आपको कैसे करना है, सबसे पहले आरोह है और अवरोह है। सा रे मा प्रैक्टिस करने के बाद में हमारा जो तीसरा सरगम है उसका आपको रियाज करना है। सा रे मा रे मा पा मा पा धा सा सा धा पा मा पा मा रे सा। तो दोस्तों, इस तरह से आप राग दुर्गा हारमोनियम पर बजाना सीख सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा राग बनेगा वो बनेगा राग भूपाली। राग भूपाली में आपको क्या करना है, ये हमारा जो काला बटन है मा स्वर, इसकी जगह एक वाइट बटन आपको प्रयोग में लेना है। तो ये हमारा राग बन जाएगा राग भूपाली। सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। इसमें हमने मा स्वर की जगह शुद्ध गा का प्रयोग किया है। इतना ही आपको चेंज करना है, एक काले बटन की जगह अगर एक वाइट बटन का प्रयोग आप करते हैं तो ये राग भूपाली बन जाती है। कैसे, आपको आरोह और अवरोह का रियाज करना है। सा रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा आ तीसरा सरगम है सा रे गा पा गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। इसमें हम तीन तीन स्वरों का जोड़ा बनाकर रियाज करते हैं। आ जो दूसरा राग बना वो बना राग भूपाली। अब जो हमारा तीसरा राग इन स्वरों से बनेगा वो बनेगा राग शिवरंजनी। राग शिवरंजनी में शुद्ध गा की बजाय आपको कोमल गा का प्रयोग करना है, इतना ही आपको चेंज करना है। तो ये हमारा राग बनेगा राग शिवरंजनी। राग शिवरंजनी के स्वर
उसके बाद में सारे दोस्तों, ये हमारा तीसरा राग बना राग शिवरंजनी। अब जो हमारा चौथा राग है वो हमारा राग बनेगा राग वृंदावनी सारंग। उसमें हमें क्या करना है, वृंदावनी सारंग में हम धा स्वर की बजाय शुद्ध नि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी एक वाइट बटन का हमें चेंजिंग करना है, सा रे मा पा नी सा, धा की जगह शुद्ध नि आपको लगाना है। लेकिन दोस्तों, इसके आरोह में शुद्ध नि का प्रयोग करना है और अवरोह में हमें कोमल नि का प्रयोग करना है। इस बात पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। सा रे मा पा नी सा, इस तरह आपको आरोह बजाना है। अवरोह में सा नी पा मा रे सा, आरोह में शुद्ध नि का प्रयोग करना है, अवरोह में कोमल नि का प्रयोग करना है। इस बात पर थोड़ा ध्यान देना है। तो सा रे मा पा नी सा, सा नी पा मा रे सा, अभी तक चार राग सीखे हैं। इन काले बटनों को आधार बनाते हुए चार राग हारमोनियम पर बजाना सीखा है। अब दोस्तों, जो हमारा पांचवा राग बनेगा उसमें थोड़ा आपको ज्यादा चेंज करना रहेगा। तो वो राग होगा राग मालकोस। राग मालकोस में जो स्वर प्रयोग में होंगे सा गा मा धा नी सा। इसमें गा धा और नी ये तीनों स्वर कोमल प्रयोग में होंगे। तो सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा सा, सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा सा। दोस्तों, चार राग है, इनमें पूरे काले बटन लग रहे हैं, सिर्फ एक बटन का चेंज करना होता है। जैसे राग दुर्गा में सभी काले बटन प्रयोग में होते हैं, राग भूपाली में एक काले बटन की जगह एक वाइट बटन का प्रयोग होता है, राग शिवरंजनी में एक वाइट बटन का प्रयोग होता है, राग वृंदावनी सारंग में एक ही वाइट बटन का चेंजिंग होता है। धा की जगह हम शुद्ध नि का प्रयोग करते हैं और हमें कोमल नि का प्रयोग करते हैं। तो इन चार रागों में कोई चेंजिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन जो राग मालकोस है इसमें थोड़ा ज़्यादा चेंज है। इस बात पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, कैसे आपको रियाज करना है। सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा सा, सा गा मा धा नी धा नी सा, सा नी धा
सा। तो दोस्तों इस तरह से आप इन काले बटनों को आधार मानते हुए पांच राग आसानी से बजाना सीख सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप चेंजिंग करेंगे तो आप ये पांच राग आसानी से बजाना सीख जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें, वीडियो कैसा लगा उस पर भी आप कमेंट जरूर करें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।